और कहां से सामने आई लूट की लाइव तस्वीर, कहां आग का गोला बन गई कार, और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव हुआ, राज्यों की खबरों के लिए अब देखते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश। हरियाणा में गुरुग्राम में बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने महिला से दिन दहाड़े ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। बदमाशों ने बाइक की नंबर प्लेट भी किसी चीज से ढक दी थी। बैग में 10 तोले सोना और 5000 रुपए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बुधवार को शाम सदर बाजार में हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। दुकान में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की 5 से 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। महाराष्ट्र के थाने में पोखरण रोड पर एक कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार के मधुबनी में होली के दिन हुए हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस केस में 35 लोगों पर नामजद FIR है, जिसमें से एक महिला आरोपी भी है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। 29 मार्च को पोखर में मछली पकड़ने के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिहार के मधेपुरा में एक हफ्ते पहले दहेज दानवों ने एक विवाहिता को जिंदा जला दिया था, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए पीड़िता के परिजनों ने उधा किशनगंज थाना में प्रदर्शन किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे DSP ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान हो गया है। नए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। इससे पहले ये परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षाएं 25 मई तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 28 मई को खत्म होंगी। यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी विधायक धीरज ओझा ने धरना खत्म कर दिया है। विधायक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर DM के पास पहुंचे थे, इसे ही लेकर वो वहीं धरना देने लगे। तभी SP तोमर वहां पहुंचे, उन्होंने धरने को अनुचित बताया। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक ने बाहर निकलते हुए SP पर मारपीट का आरोप लगाया। गुजरात में ISI की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जिन्होंने ISI के इशारे पर रेवड़ी बाजार के 5 दुकानों को आग लगा दी थी। उन्हें आग लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। ISI ने इन्हें सोशल मीडिया के जरिए लालच देकर फंसाया था। यूपी के एटा में नगला टिकैत गांव में एक 6 साल के मासूम की अपहरण करके हत्या कर दी गई। बच्चा 3 दिन से लापता था, जिसका मंगलवार को शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है।